आईफोन एसी 2 नहीं है दोस्तों, आईफोन 9 नहीं है, ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम है आईफोन एसी 2020, जो कि सक्सेसर बनकर के आया आईफोन एसी का। बट इट इज नॉट अ सक्सेसर ऑफ आईफोन एसी, इट इज अ कंप्लीटली रीडिजाइन ऑफ आईफोन एसी, क्योंकि इसमें जो आपको चीजें देखने को मिल जाती है वो बहुत ज्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है, जो कि आईफोन एसी से बिल्कुल अलग है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों अब तक का आईफोन का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है, जिसकी प्राइस दोस्तों मैं आपको बताऊं 30,000 रुपए के आसपास है। सोचिए एप्पल की स्मार्टफोन 30,000 रुपए में आने लगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा लाइट वेट का स्मार्टफोन रहने वाला है। इसका जो वजन है दोस्तों 148 ग्राम, मतलब 148 ग्राम का ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। अगर आप दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करते हो तो इस टाइम पर दोस्तों 180 ग्राम या 200 ग्राम के स्मार्टफोन आ रहे हैं, ये दोस्तों 148 ग्राम का है। और आपको पता है दोस्तों आईफोन जो होते हैं वो हमेशा वेट के साथ आते हैं, इनका हाई वेट होता है, इन द सेंस ये कि हैवी वेट के साथ आते हैं। इस बार उन्होंने लाइट वेट दिया है आईफोन एसी 2020 में, कमाल की बात है दोस्तों। वैसे क्या कुछ और खास इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है, वेल डिटेल्स में बात करते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इसकी सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों IP60 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। इन द सेंस ये दोस्तों कि अगर आपका फोन पानी में चला जाता है, 1 मीटर पानी में चला जाता है और आधा घंटे तक डला रहता है, आपको पता नहीं है, उसके बाद आप उसको निकालते हो तो आपका फोन बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा, ये कमाल की बात है दोस्तों। और इस स्मार्टफोन में ये दोस्तों आता है, इन द सेंस ये कि अगर आप इतनी प्राइस के साथ दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करते हो तो ये वाला फीचर्स नहीं आता है, ये अच्छी बात है जो कि आईफोन एसी 2020 में आ रही है। वैसे दोस्तों सुनकर के आपको ये वाली बात अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी डिजाइन की और बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको पता है कि डिजाइन के मामले में दोस्तों आईफोन बहुत ज्यादा आगे है। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईफोन के 3 कलर सबसे ज्यादा फेमस है, व्हाइट, ब्लैक और रेड, उन्हीं कलर के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों एल्यूमिनियम एंड ग्लास की बॉडी के साथ आता है। इन द सेंस ये है कि आपको पता है कि आईफोन की जो बॉडी होती है कमाल की बॉडी होती है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं है तो ऑब्वियसली आपको भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको 4.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। छोटी डिस्प्ले है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईफोन जब ये बना रहे थे तो उनके इंटरव्यू में उनके आईफोन के फाउंडर से पूछा गया था कि आपने इसकी डिस्प्ले इतनी छोटी क्यों रखी है इस टाइम पर, तो लोग डिमांड में है कि उनको बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमने 500 मिलियन से भी ज्यादा अपने स्मार्टफोन बेचे हैं, वो हमेशा छोटी डिस्प्ले के साथ ही बेचे हैं। इन द सेंस ये है कि काफी सारे लोग आज के टाइम पर भी छोटी डिस्प्ले को प्रेफर करते हैं, और आईफोन की ओर तो ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आईफोन की जो पहले के स्मार्टफोन आते थे वो हमेशा छोटी डिस्प्ले के साथ ही आते थे। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हाँ, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन वैसे आप देखोगे तो डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी, आप फुल HD में वो सारी चीजें कर पाएंगे, डिस्प्ले छोटी है। अगर दोस्तों यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको A13 की बायोनिक चिप आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर आपको आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है, उनकी प्राइस आपको पता है दोस्तों 1.5 से 2 लाख रुपए है, और वो प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कमाल का प्रोसेसर है, इन द सेंस ये कि आप इसमें कुछ भी करेंगे आपके फोन के साथ कोई भी हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर दोस्तों टॉप ऑफ दी नॉच का दिया गया इस स्मार्टफोन के साथ। दोस्तों बैटरी और रैम की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि एप्पल अपने किसी भी इवेंट में बैटरी और रैम को रिवील नहीं करता है। हाँ, ये बात सच है कि ये जो स्मार्टफोन है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और बॉक्स के साथ आपको 5 वाट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा, मतलब नॉर्मल चार्जर आपको देखने को मिलेगा। वही दोस्तों कंपनी ये कहती है कि इसकी जो बैटरी है वो 12 घंटे तक चलेगी। इन द सेंस अगर हम आइडिया लगाएं तो इसकी जो बैटरी रहने वाली है वो 3000 mAh की रहने वाली है, ये मेरा आइडिया है, क्लियर नहीं है, लेकिन 3000 mAh के आसपास तो होगी ही होगी। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको पता है कि फ्लेक्सिबल लेवल की जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है,
इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। नाउ द टाइम हैज कम दोस्तों, जब मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें आपको रियर सेंसर जो देखने को मिल जाता है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आता है। वही दोस्तों फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईफोन के कैमरे को कभी भी किसी अदर फोन के कैमरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि इसमें आपको कम मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा लेकिन फोटो आपको बहुत तगड़ी निकाल के देगा। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं इस टाइम पर, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के सेंसर देखने को मिलते हैं, उनसे कम्पीट करेगा ये मात्र 12 मेगापिक्सल का। क्योंकि इसमें आपको 4K वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 60 FPS पर रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्लो मोशन का हो, चाहे वो HDR का हो, चाहे वो पोर्ट्रेट का हो या फ्रंट, सारे फीचर्स आपको बैक और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरे के मामले में टॉप ऑफ दी नॉच दिया, क्योंकि 12 मेगापिक्सल प्लस 7 मेगापिक्सल आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करेंगे दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। रैम क्लियर नहीं की गई है दोस्तों, स्टोरेज क्लियर कर दिया गया, जहां पे आपको 64 GB स्टोरेज मिलेगा, वहीं दोस्तों आपको 128 GB स्टोरेज मिलेगा, वहीं दोस्तों 256 GB स्टोरेज मिलेगा। बात करें दोस्तों 64 GB वाले की जो प्राइस रखी गई है वो 30 हजार रुपए रखी गई है, वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पे 128 GB स्टोरेज वाले, वहां पे आपको 34 हजार रुपए देखने को मिलेंगे। और लास्ट वेरियंट दोस्तों इसका जो 256 GB वाला दिया गया, उसकी प्राइस दोस्तों 42 हजार रुपए के आसपास रखी गई है। लेकिन इंडिया में आएगा दोस्तों तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़कर के आएगा, आपको पता है इंडिया में GST वगैरह वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों इंडिया की प्राइस भी रिवील हो गई है, इंडिया में आपको 64 वाला जो स्टोरेज वाला है उसकी प्राइस आपको 42 हजार रुपए देखने को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्राइस रिवील कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इसके बेस वेरिएंट की रिवील कर गई है, बाकी ये 2 वेरिएंट है उनकी प्राइस अभी तक रिवील। फाइनली दोस्तों क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल लेना चाहिए अगर आप आईफोन लवर हैं, क्योंकि इतने प्राइस में दोस्तों 42 हजार रुपए में अगर आपको आईफोन SE 2020 मिल रहा है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो टॉप ऑफ दी नॉच का मिल रहा है दोस्तों, और आपको पता है कैमरे जो है अच्छे दिए गए इसमें। ओवरऑल दोस्तों गुड स्मार्टफोन है, इतनी प्राइस में दोस्तों आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा अगर आप आईफोन के लवर हैं तो इस स्मार्टफोन की साइड जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस, मुझे उम्मीद है आपको आईफोन SE 2020 की सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को कर देना। हाँ दोस्तों जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईफोन लवर हैं, उनको ये पता चलेगा तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं फिर मिलूंगा ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।